जय साथियों, मैं हलदार चंद्र पांडे पूर्व एनर्जी कमांडो भोजपुर फिजिकल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो है बिहार एसआई पद जो 1275 पद का निकला हुआ है, इसके लिए एक कट ऑफ लिस्ट है। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि एसआई के ऊपर कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ लिस्ट बनाइए कि कितना मार्क्स जा रहा है, कितना रो मार्क्स जा रहा है, कितना मार्क्स पे हम फिजिकल और मेंस की तैयारी करें। देखिए, जिसका जो अभी बताऊंगा और कब आने वाला है, किस डेट को घोषणा होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले कट ऑफ लिस्ट बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि किस दिन को आपका रिजल्ट आने का संभावना है और कितने तारीख, कितने जल्दी इसका मेंस और कितने जल्दी इसका पीईटी लिया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, और नई वैकेंसी भी आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो कट ऑफ लिस्ट है जनरल का, मेल का बता रहा हूँ, अगर 70 से 75 के बीच अगर आपका आ रहा है, 70-75 मार्क्स अगर आ रहा है, तो आप आराम से मेंस का तैयारी करते रहिए और दिन रात एक कर दीजिए मेंस की तैयारी करने में। और आधा घंटा केवल और केवल 30 मिनट आप अपने फिजिकल के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस निकालने के बाद अगर आप फिजिकल में छट जाते हैं और हर बार छटते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा। जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, 65 से 70 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस और पीईटी की तैयारी में लग जाइए। जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं, उनका भी 65 से 70 के बीच में, यानी कि ईडब्ल्यूएस के बराबर आपका लमसर हर बार रहता है, इस बार भी उतना ही रहेगा। और ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं, 63 से 68 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका आप फिजिकल और मेंस दोनों के लिए लग जाइए। एससी के बच्चे, मेल के लिए बता रहा हूँ, एससी के बच्चे 60 से 65 और एसटी के बच्चे 55 से 60, अगर इतना रॉ मार्क्स आपका आ रहा है पीटी में, तो आप आराम से आधा घंटा फिजिकल पे समझ दीजिए सुबह या शाम। शाम को आखिरकार आप पढ़ते नहीं है, शाम को अगर आपका क्लास नहीं है तो 3:30 से 4 बजे तक या 4 से 5 आधा घंटा आप समय दीजिए, आपका मेंस भी निकल जाएगा और आपका पीटी भी निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट का। जितने भी फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, अगर 65 से 70 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए तत्पर होकर लग जाइए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 60 और 65 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप आराम से अपने मेंस की तैयारी में लगे रहिए और हल्का हल्का फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 50 से ओबीसी की जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, 55 से 60 के बीच में अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस के लिए दिन रात एक कर दीजिए और उसके अलावा आप हल्का हल्का फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए। जितने भी ईबीसी की महिलाएँ कैंडिडेट हैं, 50 से 55 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है पीटी में तो आप लग जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे यूट्यूब पे या बहुत सारे कोचिंग संस्थान के सर लोग निकाले भी थे रॉ मार्क्स वगैरह, अगर उससे नंबर आप ला चुकी हैं तो आप मेंस में तैयारी करते रहिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। जितने भी एससी कैटेगरी की महिलाएं हैं, 55 से 60 अगर आपका भी रॉ मार्क्स आ रहा है पीटी में तो आप भी मेंस और पीईटी की तैयारी में लग जाइए। एसटी कैटेगरी की जितनी भी बच्चियां हैं, 45 से 50 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आराम से फिजिकल के लिए और मेंस के लिए लग जाइए। मैं इसीलिए फिजिकल और मेंस दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ, बच्चे बहुत सारे बोलेंगे कि पता नहीं अभी क्या करेंगे हम तैयारी करके, बेटा मेरे 20-22 दिन का समय मिलता है, आप रो दोगे, मन लगेगा कि अब मरे कि तब मरे। और बहुत सारे बच्चे का सहन शक्ति अलग होता है और बहुत सारे बच्चे का सहन शक्ति नहीं होता है। आप वहाँ पर जाके आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम इतना ही आप फिजिकल कीजिए, हल्का हल्का जो वेट पेट है इसको टाइट कीजिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर पेट आपका बेटा एक बार टाइट हो गया और पैर में पेन अगर खत्म हो गया तो आप दौड़ वहाँ मार दीजिएगा। 6.5 मिनट का, लड़कियों को 6 मिनट का दौड़ होता है, आराम से कर दीजिए। तो आप बुरी तरह से लग जाइए और अच्छे से लग जाइए और दोनों चीज़ की तैयारी एक साथ कीजिए। ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो बिहार में एसआई बनना चाहते हैं, अपने कंधे पर डबल स्टार दिखाना चाहते हैं और नए साल में प्रतिज्ञा लेके उनको कसम खा रखे हैं कि मैं वर्दी लेके मानूंगा। अगर हर साल आप पीटी मेंस निकाल लेते हैं और फिजिकल की वजह से आपका नहीं वर्दी लग जाता तो इस बार कसम खाइए कि मैं चलूंगा भोजपुर फिजिकल एकेडमी में, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहा जाता है। तो आइए हम आपको फिजिकल और मेंस की तैयारी के लिए भी जगह बता देंगे, दोनों जगह लग जाइए, आपका वर्दी मिल के रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, नया साल मुबारक। और आपके एग्ज़ाम का जो घोषणा है 2 तारीख है, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो टेंटेटिव डेट दिया गया है, इसी बीच में आपका पीटी का रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है और इसी महीने आपका मेंस भी ले लिया जाएगा। इसलिए बेटे आप लोग लगे रहिए, फिजिकल का डेट भी आपका बहुत जल्दी निकल गया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।